लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ एक्सरसाइज 16 ए दैट इज एरिया ऑफ सर्कल क्वेश्चन नंबर 51 वन इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज़ 100 मीटर रेडियस है एक सर्कुलर गार्डन का 100 मीटर जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाते हैं ये एक सर्कुलर गार्डन है और इसका रेडियस हंड्रेड मीटर कह रहा है तो ये मान लीजिए ये इसका सेंटर है ओ यहाँ से ये रेडियस है हमारा हंड्रेड मीटर हंड्रेड मीटर आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है देयर इज़ अ रोड टेन मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इट तो इसका मतलब इसके चारों तरफ एक रोड है जो कि टेन मीटर चौड़ी है और चारों तरफ है ये देखिए ये चारों तरफ एक रोड है जो कि कितने मीटर वाइड है टेन मीटर वाइड है सब तरफ से टेन मीटर वाइड है इधर से भी इधर से भी यहाँ सबसे टेन मीटर वाइड है आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है फाइन द एरिया ऑफ द रोड एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट रुपीज ट्वेंटी पर मीटर स्क्वायर और हमें पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर लेनी है तो वो कह रहा है इस रोड का एक तो एरिया निकालना है और हमें इसको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालनी है अगर उसकी कॉस्ट है ट्वेंटी रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर तो कैसे करेंगे देखिए इस रोड की एरिया कैसे निकलेगा अगर हम बड़े सर्कल के एरिया में से ये सर्कल छोटे सर्कल का एरिया माइनस करते तो हमारा ये एरिया आ जाएगा तो हमने कहा बिगर सर्कल एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल और एरिया ऑफ बिगर सर्कल तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल निकाल लेते हैं या गार्डन कह लीजिए कुछ भी कर लीजिए सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया होता है पाई आर स्क्वायर स्मॉल सर्कल का पाई की वैल्यू लेनी है थ्री पॉइंट वन फोर आर है हमारा हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो ये कितना आ गया पॉइंट की वैल्यू हटाई वैल्यू लिखी हंड्रेड पॉइंट की वैल्यू लिखी और ये आ गया थ्री वन फोर डबल जीरो मीटर स्क्वायर राइट इसका मतलब इस गार्डन का एरिया आ गया थ्री वन फोर डबल जीरो मीटर स्क्वायर राइट अब एरिया ऑफ बिग सर्कल निकाल लेते हैं एरिया ऑफ बिग सर्कल राइट तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर अगेन तो अब आर क्या होगा पाई की वैल्यू तो 3.14 होगी अब आर देखिए यहाँ से यहाँ तक का 100 था और ये 10 मीटर एक्सटेंड हो गया क्योंकि 10 मीटर वाइड थी सड़क तो टोटल कितना हो गया 110 एंड तो इन देखिए बिगर रेडियस क्या होगा 100 प्लस जो रोड 10 मीटर वाइड थी तो इसका मतलब अब रेडियस कितना आ गया 110 मीटर तो बिगर सर्कल का रेडियस आ गया 110 मीटर पॉइंट हटाया तो नीचे दो ज़ीरोज़ लग गई एक जीरो इससे कैंसिल हो गई एक जीरो इससे कैंसिल हो गई अब देखिए थ्री वन फोर की मल्टीप्लाई 11 टू इलेवन इज़ वन ट्वेंटी वन तो मल्टीप्लाई कर लेंगे फोर वन एंड थ्री टू फोर जट टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स फोर वन एंड थ्री तो ये कितना आ गया फोर नाइन फोर टू सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन सेवन एंड थ्री तो ये आ गया बिगर सर्कल का एरिया थ्री सेवन नाइन नाइन फोर मीटर स्क्वायर अब एरिया ऑफ रोड निकालना है हमें एरिया ऑफ रोड एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर मैं बिगर सर्कल के एरिया में से ये पूरा एरिया है बिगर सर्कल का उसमें से छोटे सर्कल का एरिया ये वाला एरिया माइनस कर दूँ तो हमारा ये एरिया आ जाएगा तो देखिए एरिया ऑफ बिग सर्कल बिग सर्कल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप जान सकें कि मैं कौन से सर्कल की बात कर रही हूँ माइनस एरिया ऑफ़ स्मॉल सर्कल स्मॉल सर्कल तो एरिया ऑफ बिग सर्कल क्या आया था टाटस थ्री सेवन नाइन नाइन फोर में से हम कितना एरिया टाटस थ्री वन फोर डबल ज़ीरो माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा फोर में से ज़ीरो गए फोर नाइन में से ज़ीरो गए नाइन नाइन में से फोर गए फाइव सेवेन में से वन गए सिक्स मीटर स्क्वायर तो इसका मतलब इस रोड का एरिया हमारा निकल के आ गया निकल के आ गया 6,594 अब हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कह रहा है वो वन मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है रुपीज ट्वेंटी तो हमारी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 6594 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी एक की दे रखी है ज़्यादा की निकालनी है जब भी एक की दे रखी होती है ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इन टू तो ये कितना आया रुपीज़ में आएगा आंसर तो ज़ीरो एज ए इज टू फोर 8, एट टू नाइन ज़ा एटीन कैरी वन टू फाइव ज़ा टेन एंड एलेवन कैरी वन टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व एंड थर्टीन दैट मीन्स वन लाख थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी रुपीज लगेंगे इस ट्रैक की लेवलिंग करने में आंसर